जय कृष्ण बच्चों, कक्षा तीसरी में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा तीन में आज हम पाठ संख्या 6 आदमी का धर्म के प्रश्नों के उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, प्रश्न क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। अब देखिए बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ये 1 2 3 4 रिक्त स्थान है, लाइन्स है, वाक्य है हमारे पास में, और वाक्य क्या है? खाली है, बीच में से कुछ अक्षर, बीच में से कुछ शब्द गायब है। तो इन रिक्त स्थानों में उचित शब्द, अब ये देखो इस कोष्टक के अंदर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे समाचार पत्र, धनी आदमी, धर्म, अनाथ। ठीक है, ये 4 खाली जगह है और 4 ही शब्द दिए गए हैं। तो इन 4 शब्दों में से जो उचित शब्द है वो इस लाइन के अंदर, जिस लाइन में आएगा उस लाइन में हमें उसे भरना है, लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। पहला रिक्त स्थान, पहला रिक्त स्थान है हमारा कि एक नगर में एक खाली जगह रहता था। अब खाली जगह में क्या आएगा बच्चों, हमें क्या करना है? इन 4 में से जो सही है उसे हमें इन खाली जगह में लिखना है। तो एक नगर में एक कौन रहता था? समाचार पत्र रहता था? नहीं, धनी आदमी। तो हाँ, एक नगर में एक धनी आदमी रहता था। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? धनी आदमी। ठीक है बच्चों, फिर दूसरी खाली जगह है हमारी, दूसरा रिक्त स्थान है कि उस समय वह आदमी अपने बरामदे में बैठा हुआ रिक्त स्थान पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था वो आदमी? धनी आदमी। जब बालक धनी आदमी के पास पैसे मांगने गया था, हमने अपने बरामदे में बैठ के वो क्या कर रहा था? समाचार पत्र पढ़ रहा था। क्या कर रहा था बच्चों धनी आदमी? अपने बरामदे में बैठ के समाचार पत्र पढ़ रहा था। तो ये समाचार पत्र को हम इस रिक्त स्थान में लिख देंगे। तो समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र का अर्थ होता है अखबार। तो वो धनी आदमी, उस समय वह आदमी अपने बरामदे में बैठा हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा था। ठीक है, ये दूसरी रिक्त स्थान भी हो गई हमारी। और तीसरी रिक्त स्थान है कि तो क्या तुम एक खाली जगह बालक हो? अब धनी आदमी ने बालक से क्या कहा था कि तुम, तो क्या तुम एक अनाथ बालक हो? रिक्त स्थान में क्या आएगा बच्चों? अनाथ। क्या आएगा? अनाथ। धनी आदमी ने जब कहा, धनी आदमी ने कि अच्छा मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता है, तुम अपने पिताजी को बुला के लाओ, तब बालक ने क्या कहा था कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, मेरी माताजी मेरा पालन पोषण करती है। तब धनी आदमी ने बालक से क्या कहा था कि अच्छा तो तुम एक अनाथ बालक हो। तो खाली जगह में क्या आएगा बच्चों? अनाथ। ठीक है, खाली रिक्त स्थान में आएगा अनाथ। उसके बाद में चौथी खाली जगह है, चौथी रिक्त स्थान है हमारी, मैं मनुष्य के गुणों को ही खाली जगह मानता हूँ। अब देखो बच्चों, एक खाली जगह बची है हमारे पास में, 3 शब्दों को हमने लिख दिया है। कौन कौन से शब्द लिख दिए हमने? समाज प्रचार पत्र लिख दिया है, धनी आदमी लिख दिया है, अनाथ लिख दिया है। उसके बाद में क्या बच गया? धर्म बच गया। ठीक है, इन 4 में शब्दों में से क्या बच गया? कौन सा शब्द बच गया है? धर्म शब्द बच गया है। तो चौथी खाली जगह में क्या आएगा? धर्म। मैं मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता हूँ। किसने कहा था? बालक ने कहा था। किससे कहा था? धनी आदमी से कहा था कि मैं मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता हूँ। तो चौथी रिक्त स्थान में क्या आएगा? धर्म। ठीक है बच्चों, एक नगर में एक धनी आदमी रहता था, दूसरी खाली जगह में है, उस समय वह आदमी अपने बरामदे में बैठा हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? समाचार पत्र। तीसरी खाली जगह में है, तो क्या तुम एक अनाथ बालक हो? तो क्या तुम एक अनाथ बालक हो? चौथे रिक्त स्थान में है, मैं मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता हूँ। क्या है चौथे रिक्त स्थान? कि मैं मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता हूँ। ठीक है, तो ये हमने रिक्त स्थान के प्रश्नों को हल कर लिए हैं। अगला हमारा प्रश्न है विलोम शब्द लिखें। क्या प्रश्न है हमारा? विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखने हमें किन किन के? धर्म, सनात, विश्वास, सत्य
और स्वस्थ। तो धर्म का विलोम शब्द, यहाँ विलोम शब्द मतलब शब्द का उल्टा, विपरीत अर्थ, शब्द का जो हमें दिया गया शब्द है उसका विपरीत अर्थ। तो धर्म का विपरीत अर्थ यहाँ क्या है, विलोम शब्द क्या है, अधर्म, क्या है, अधर्म। अब हमें इन सब में भी अ लगा के इनके विलोम शब्द बनाने हैं। कैसे, जैसे धर्म का हो गया क्या अधर्म, ऐसे ही सनात का क्या हो जाएगा, असनात, क्या हो जाएगा, असनात, ठीक है। तो सनात का धर्म क्या हो गया, असनात। विश्वास का अविश्वास, विश्वास का विलोम क्या हो जाएगा, अविश्वास, ठीक है बच्चों। तो अ लगाने से ये उल्टा हो गया शब्द का, विपरीत अर्थ हो गया। विश्वास का विलोम शब्द क्या हो गया, अविश्वास। ऐसे ही सत्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, असत्य। सत्य शब्द का विलोम हो गया असत्य, ठीक है। फिर स्वस्थ, स्वस्थ का विलोम क्या हो गया, अस्वस्थ। स्वस्थ का विलोम क्या होगा, अस्वस्थ। तो ये लिख दिया हमने अस्वस्थ, ठीक है। तो ये अ लगाने से शब्द के क्या हो गए, विपरीत अर्थ, विलोम शब्द बन गए। धर्म का विलोम शब्द क्या बन गया, अधर्म। सनात का विलोम शब्द क्या हो गया, असनात। विश्वास का विलोम शब्द क्या हो गया, अविश्वास। सत्य का विलोम शब्द क्या हो गया, असत्य। स्वस्थ का विलोम शब्द क्या हो गया, अस्वस्थ, ठीक है बच्चों। ऐसे ही विलोम शब्द और भी बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। जय श्री कृष्ण।